अस्सलाम वालेकुम, टेस्ट द बेस्ट में मेरा सलाम कबूल करें। आज टेस्ट द बेस्ट किचन में बन रही है लैम लिवर यानी बकरे की कलेजी। ये मैंने हाफ के जी ली है, ये वन ऑनियन लिया है जिसको मैंने ये बारीक बारीक काट ली है, ये 10 से 12 गार्लिक क्लॉव्स उसमें डालेंगे, हाफ स्पून टेबल स्पून जो है साल्ट है और 1 टीस्पून रेड चिली और 1 टीस्पून टर्मरिक। ये मसाले को हम लोग पहले बना लेंगे, उसके बाद ये जो कलेजी है ये डालेंगे इनके लिवर, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको बस जब मसाला हो जाएगा तो इसको हल्का सा भूनना है। अगर इसको ज़्यादा आप पका लेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी, तो उसके बाद ये इतना टेस्ट नहीं रहता इसमें, क्योंकि इसमें ये जितनी जितनी सॉफ्ट रहेगी उतनी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ही हेल्दी जो बनेंगे ये है उन लोगों के लिए जिनमें खून की कमी हो, तो वो तो उनको तो खानी चाहिए ये बकरे की कलेजी। तो आए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्रेशर में बना रही हूँ मैं मसाला, इसमें जल्दी बन जाएगा। इसमें ये प्याज मैं डाल रही हूँ लहसुन के साथ और ये जो स्पाइसेस हैं ये डाल दिए। इसमें ज़्यादा इतने स्पाइसेस भी नहीं डालने चाहिए, क्योंकि आगे ये बस वो इतनी स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। इसमें मैं 1.5 ग्लास वाटर डाल रही हूँ, ये 1.5 ग्लास जो है वाटर डाल दिया मैंने। ये इसको मैं बंद कर दूँगी, ये 5 मिनट के लिए इसको मैं बंद करती हूँ। 5 मिनट हो गए, मैंने इसको खोल दिया और देखें इसमें मैंने 1 कप जो है वो चॉप टमाटर डाल दिए और हाफ जो है वो मैं 1/2 कप 1/4 कप जो है ना वो ऑयल डालती हूँ। और ये मसाला जो है इसको मैं थोड़ा सा ड्राई थोड़ा सा करेंगे तो फिर मैं इसको डालूँगी, क्योंकि जो लीवर होता है गोड़ का यानी कलेजी वो बस थोड़ा सा ही उसको पकाते होते हैं, उसको ज़्यादा नहीं पकाते। और इसका मसाला भी ज़्यादा नहीं मैंने बनाया, बस नॉर्मल सा मसाला होता है इसका। इसमें मैं 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, मैंने इसलिए वो स्पाइस जो है रेड चिली कम डाली थी क्योंकि मैंने इसमें ब्लैक पेपर डालनी थी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। ये मैं इसमें ये 4 ग्रीन चिली डाल रही हूँ, इसका टेस्ट अच्छा आएगा इससे। अब मैं इस ये जो है इसका लीवर जो है यानी कलेजी इसको डालती हूँ और इसको देखें मैंने पानी से इतना ज़्यादा मसल के नहीं धोया, इसको हल्का सा धोते हैं इसकी गज़ाइयत ख़त्म ना हो। अब इसको थोड़ा सा ही बस जो है हम भूनेंगे तो बस इसको ये पक जाएगी, ये बहुत जल्दी पक जाती है। ये ब्लैक पेपर और जो मैंने ग्रीन चिली डाली है इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा।
ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, और बस इसी मसाले में ये पक जाएगी। ये देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर बच्चों को भी ये बना के खिलाया करें, और जिसमें इसमें जितनी इसके खाने हैं ब्लड जो है ना बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन इसको बहुत ही लाइट से हल्के हाथ से इसको पकाएं, और ज़्यादा जो है इसको हार्ड ना होने दें। बस ये हमारी हो गई है, इसको ज़्यादा जो है वो पकने हार्ड नहीं होने देना। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई है, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये देखें कितनी अच्छे ये बनी है, और मसाला भी जो है वो बस दरमियाने एक प्याज का जो मैंने मसाला बनाया है, और ये जो ग्रीन चिली हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी होंगी इसके साथ, और ब्लैक पेपर के साथ बहुत मज़े का। और इसको देखें बिल्कुल हल्का सा मैंने भुना है, ये ज़्यादा नहीं मैंने इसको पकाती क्योंकि इसका जायका ख़त्म हो जाता है और ये हार्ड हो जाती हैं, और ये बहुत जल्दी पक जाती हैं इस तरह आप पकाएं। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए देखने वाले मेरी रेसिपी जब भी देखें तो सब्सक्राइब का बटन जो है वो उस पर फिंगर रखें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें मुझे। ये देखें इसको आप हफ्ते में एक बार पकाया करें तो सारे घर वाले जो है इसको खाया करें, इससे आपकी जो ग़ज़ाइयत जो है वो जिस्म की जो पूरी होती रहेगी। और इसको नान के साथ लें, रोटी के साथ लें, किसी भी चीज़ के साथ लें, बहुत ही मज़े की, बहुत अच्छी। और ये देखें तो कल के लिए अल्लाह हाफिज़, कल नई रेसिपी लेके सामने आऊँगी। तो जाते जाते मैं फिर यही कहूँगी कि हमारी हौसला अफज़ाई के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी जितनी भी नई रेसिपी आती हैं वो आपको शो हो जाएंगी। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी सारी रेसिपी देख सकते हैं।